नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैसूर का वाडियार राजवंश बीते चार सदियों से एक श्राप से जूझ रहा था। खुद वाडियार राजघराना मानता है कि एक श्राप 400 साल से उनका पीछा कर रहा था, जिस कारण उनके वंश में संतान पैदा नहीं हो रही थी। बता दें, मैसूर के 27वें राजा यदुवीर की वेडिंग 27 जून 2016 को डूंगरपुर की राजकुमारी थुषिका सिंह से हुई थी। थुषिका सिंह ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। दिवंगत महाराज श्री कांत दत्त नरसिंह महाराज वाडियार और रानी प्रमोदा देवी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी ने अपने पति की बड़ी बहन के बेटे यदुवीर को गोद लिया और वाडियार राजघराने का वारिस बना दिया। यह घराना राज परंपरा आगे बढ़ाने के लिए 400 सालों से फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के पुत्र को गोद लेते आया है। कहा जाता है कि 1612 में साउथ के सबसे पावरफुल विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडियार राजा के आदेश पर विजयनगर की संपत्ति लूटी गई थी। उस समय विजयनगर की तत्कालीन महारानी अलमेलमाहार के बाद एकांतवास में थीं, लेकिन उनके पास काफी सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे। वाडियार ने महारानी के पास दूत भेजा कि उनके गहने अब वाडियार साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उन्हें दे दें। अलमेलम्मा ने जब गहने देने से इनकार किया तो शाही फौज ने जबरन खजाने पर कब्जे की कोशिश की। इससे दुखी होकर अलमेलम्मा ने कथित तौर पर श्राप दिया था कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा राजवंश संतान विहीन हो जाए और इस वंश की गोद हमेशा सूनी रहे। श्राप देने के बाद अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आज भी महल में उस श्राप से बचने के लिए अलमेलम्मा की मूर्ति की देवी के रूप में पूजा होती है, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं लगता। राजा वाडियार के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी, तब से हर एक पीढ़ी बाद मैसूर के राज परिवार को उत्तराधिकारी के रूप में किसी को गोद लेना पड़ता है। राज परिवार उत्तराधिकारी के रूप में जिसे गोद लेता है, वे हमेशा परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है।